बीते दिनों सोनीपत के गुमड़ रोड पर फ्लाईओवर के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला एक लड़की से जुड़ा है, जिससे नीरज और साहिल दोनों प्यार करते थे। दोनों के बीच इसी मामले को लेकर पहले भी लड़ाई हुई थी और मंगलवार को जब साहिल शादी समारोह से लौट रहा था तो अजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चाकू और ईंट से हमला कर दिया। इस दौरान साहिल ने भी अजीत पर चाकू से हमला किया, लेकिन साहिल की मौत हो गई, जबकि अजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने तुषार नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमारे को पता चला था कि फ्लाईओवर के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी है और जो जाने के बाद पता किया गया साहिल की डेड बॉडी थी, तो उसके बाद हमने जो है इधर उधर से पता किया कि भाई ये किसने मारा, कहाँ से कैसे इंसिडेंट हुआ है, जो पता चल गया था हमने। दो तीन और इसके जो एक इसका एक नीरज था लड़का, उसका किसी लड़की के साथ संबंध था और ये साहिल भी उससे टच होना चाह रहा था, तो इसी कारण इन दोनों का मनमुटाव हो गया था। इन्होंने दूसरे एक साथी इनके दो अलग से ले लिया, एक फ्लाईओवर से जा रहा था, जाने से पहले उसने जो है ना तुषार ने इसने देख लिया और इन अपने दूसरे साथियों को बुला लिया, जीत हुए उसको साथी को, और उसी टाइम इन्होंने ईंट व इसे चाकू से वार किया, जिसे अजीत को भी चोटें लगी हैं। साहिल ने उसको चोटें मारी थी, वो भी अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। तो अभी हमने तुषार को गिरफ्तार किया है। तुषार ने अपने पूछताछ में जो मैंने ये बातें बताई हैं, उसने ये सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी थी और उसने हमारे अजीत ने बोला था हमारी सहायता करना है, और उसी की सहायता करके हमने जो है ना उसको कल जो है ना जब वो रास्ते में जा रहा था ईंट और चक्कों से उसको मार दिया। हाँ, मृतक का और इन दोनों का, जो मृतक है उसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज थे और अजीत के ऊपर जो है मारने वाला था उसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही मौके से चाकू और ईंटों के टुकड़े भी बरामद किए गए थे। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने अजीत, तुषार और दीपक पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद अब तुषार को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक साहिल और घायल अजीत पर पहले से ही केस दर्ज है। बहरहाल पुलिस आरोपियों के तीसरे साथी की तलाश में जुटी है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।